नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, बात करें 90s की, तो किस तरह से जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनको अपना अपना जगह, जो कि ये कहेंगे अपने मातृभूमि को छोड़कर, यानी जिस जगह पर उनकी पैदाइश हुई, किस तरह से उनको छोड़कर भागना पड़ा था। वो कहीं भी किसी से भी छुपा नहीं, वो दर्द आज भी इन लोगों के सीने में कहीं ना कहीं वो पुरानी यादें ताज़ा कर देता है। और हम लोगों ने भी देखा किस तरह से उनको वहाँ से भागना पड़ा, पर उसी के चलते कहीं ना कहीं सरकार, जो भी सरकारें रही या प्रशासन, लगातार उन्होंने यही कहा कि एक ना एक दिन ज़रूर आपको वापिस पूरे मान सम्मान के साथ घाटी में वापिस अपने घरों को वापिस लाया जाएगा, पूरी सुरक्षा के साथ। पर सुरक्षा तो दूर, कहीं ना कहीं आए दिन आप जिस तरह से माहौल है, जहां पर एक तरफ से कश्मीरी माइग्रेंट्स को वहां भागना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ लगातार अब जो आतंकी जो सरगर्मियां हैं तेज होती नजर आ रही हैं। उसी के चलते जहां पर सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए थे कि आपको वापिस लिया जाएगा, और जब कोलिशन सरकार थी महबूबा मुफ्ती और पीडीपी और भाजपा की, तो ये कहा गया था कि बड़े मान सम्मान से इनके लिए कॉलोनीज बनाई जाएंगी, इनको वापिस लिया जाएगा। पर बातें शायद बातों में ही रह गई। और अब एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जितनी भी कश्मीरी माइग्रेंट्स, उनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उनका ब्यौरा, उनकी डिटेल वहां पर मांगी गई थी। पर उसके बावजूद भी अभी भी वहाँ के लोगों द्वारा, यानी कई लोग ऐसे हैं जो आज भी कश्मीरी माइग्रेंट्स की प्रॉपर्टी को इनक्रोच कर रहे हैं। क्या सरकार और प्रशासन की जो करनी और कथनी में फ़र्क है, सिर्फ बातें बातों तक ही रह जाती है या उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होता है या ग्राउंड लेवल पर भी जाकर काम होता है? हमारे साथ समय जुड़ चुके हैं बद्रीनाथ, जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला से। आइए जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। ये भी इसी का एक हिस्सा है, इसी परेशानी का हिस्सा है कि इनकी भी कहीं ना कहीं इमूवेबल प्रॉपर्टी है पर अभी भी उस पर इंक्रोचमेंट की जा रही है। चलिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, मैं बद्रीनाथ पंडित, विलेज फिड़ारपुरा, रफियाबाद, मांचनपुरा है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में है। कि मैंने धन्यवाद कर रहा हूँ डीसी साहब बारामूला और तहसीलदार साहब डेंगे बचाए को, कि जो फ़ोन पर भी रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अली मोहम्मद डार जो है वो नंबरदार, वो ऐसे गुंडागर्दी करता है, जो भी उसके जो उसके उसको बोल कर भी रखा है कि भाई इसके इंक्रोचमेंट नहीं करना है, ये लैंड है कि उसमें, तो उसके बावजूद भी वो उधर इंक्रोचमेंट करने की कोशिश कर रहा है। कल भी मेरे को मैसेज मिल गया कि उसने बाजरी डाल दी है 5-6 ट्राले, तो मैंने तहसीलदार साहब का भी रिपोर्ट किया है, उसको उन्होंने उसको लिखकर भी लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं है। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये अली मोहम्मद डार को ये नंबरदार है, या इससे एक तो नंबरदार पद से छीनो, और दूसरा इसको ये गुंडागर्दी जो कर रहा है वहाँ पर, इसको ये उसका कोई जेल भर दो, तब तक ये तभी इसका होश ठिकाना आएगा। आपने इसकी शिकायत दर्ज करवाई? मैंने इसको तहसीलदार साहब को भी किया है और डीसी साहब को भी पहले एक बार इसी में चैनल के थ्रू किया है शिकायत, और मैंने इसमें एप्लीकेशन पर भी दे दिया, और एप्लीकेशन मेरी हमारे एडीसी साहब के पास भी है। एप्लीकेशन ये है, एडीसी साहब के पास इस वक्त चल रहा है, उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस ये है एडीसी, ये डीसी साहब से इसमें जी इसके जो चल रहा है, एडीसी साहब जो है उसका मार्क कर रहा है, अभी वो लैंड का जो है उसकी ऑर्डर निकाल रहा है, उसके बावजूद भी वो जगह आपकी खाली पड़ी है। क्या खाली पड़ी है? और अब इसने क्या है, 5-6 दिन पहले उसको नायब तहसीलदार के साथ वो मिलकर उसने वहाँ निशानदेही दी है, और उसने फिर वहाँ पर इकलर खड़ा कर दिया। अब इसने निशानदेही नायब तहसीलदार ने आपकी की है, उस इंसान जिसका नाम ले उनके साथ खड़े होके की है, उसके साथ खड़ा किया है, और जो पार्टी दूसरी थी उसको उसके एप्लीकेशन के थ्रू कर दिया, लेकिन वो उसने तो निशानदेही देनी नहीं थी, लेकिन वो जबरदस्ती आ गया वहाँ पर निशानदेही देने के लिए, तो वहां से उसने जगह के पूरे कागजात हैं, कागजात है, वही नंबर खतरा है। मैंने फिर उसके बेस पर ये कंप्लेंट किया, ऑनलाइन की कंप्लेंट की है, ये 3 कंप्लेंट की करके रखी थी, जिसके ये तहसीलदार साहब के पास आ गए हैं, मेरे पास उसने बोला कि हाँ आपकी कंप्लेंट आ गई है, उसके बावजूद ये अली मोहम्मद डार नहीं मान रहा है, और ये पोर्टल पर भी अपलोड किया होगा सारे डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, पोर्टल पर भी कर दिया है सब कुछ उसमें डॉक्यूमेंट किया है, और एप्लीकेशन भी 2011 से मैं ये इसके पीछे पड़ रहा हूँ कि वरासत इंतकाल मैंने किया है, उसके बाद भी डीसी साहब के बहुत बार दे दिया, और वहाँ पर नायब तहसीलदार पटवारी, वहाँ पर जो एक पटवारी मामा शाबान जो दृश्यवरण है, उसने कब्जा काश लिखा कर रखा है, और गुलाम और डार जो है पहले हिजबुल मुजाहिदीन का एरिया कमांडर होता था, वो 92-91 से लेकर 95 तक, तो उसने ये ज़मीन यहाँ से ले लिया, बोलता मैं लगाने के लिए ले लूँगा, अब वो उसने कब्जा काश ही कर दिया।
इसलिए मैं गवर्नमेंट से डीसी साहब से रिक्वेस्ट कराऊंगा जल्दी से जल्द इसको लिमा मडार और उसके साथियों को जो है उनको ये खाली ज़मीन कराने के लिए उनके जो कब्जे काश के जो है वो सारा ख़त्म करके मेरे को ये ज़मीन वापस दे मैं से। और दूसरा मैं डीसी साहब से एक रिक्वेस्ट कराऊंगा, वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है जो जिससे कश्मीरी पंडित मानते हैं श्री गणेश स्थापन, वहाँ पर उसका जो है मई में गणेश चतुर्दशा जो है वहाँ पर होता है हवन, तो जो वहाँ पर जो ज़मीन है उसका रास्ता वहाँ पर जो था वो भी आज वहाँ पर 6 इंच के साथ 8 इंच या 10 इंच का जो रास्ता रखा है, जबकि वहाँ पर 4-5 फुट के रास्ता था उस टाइम 90 के टाइम पर जो है 5-5 फुट रास्ता था वहाँ पर। लेकिन मैंने उसके लिए भी एप्लीकेशन दे दिया डीसी साहब को कि भाई इसके जो रोड भी चाहिए मेरे को और यहाँ पर मेरे को इसके लिए एक्सटेंशन चाहिए जो मंदिर का है, और साथ में वो क्योंकि अभी तहसीलदार साहब ने जो वहाँ पर पेड़ काटा था उसको मैंने फ़ोन करके वो जब्त कर दिया, उसने कल लीलामी भी कर दिया, तो अब आज वो शायद मेरे उसमें जो गणेश स्थान स्थापन के लिए मैंने अकाउंट रखा था J&K बैंक में वो शायद वो पैसे डाल देंगे। अभी तक मेरे को मैसेज नहीं मिला लेकिन मैंने उसको व्हाट्सअप वगैरह नंबर पे किया है। आपको तो लगता है कि वहाँ के प्रशासन जो अब इस पर कार्रवाई करेगा? तो मेरे को ये लग रहा है प्रशासन काम कर रहा है लेकिन थोड़ा ये जो है डिले कर रहा है, किस वजह से डिले कर रहा है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इस पर एक्शन होना चाहिए ज्यादा जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है उतना एक्शन होना चाहिए जल्दी। धन्यवाद। देखिए ये थे हमारे साथ बद्रीनाथ जी, और दर्शकों ये थे हमारे साथ बद्रीनाथ जी जिन्होंने अपनी पूरी गाथा सुनाई कि किस कदर एक तरफ से तो आप पोर्टल लॉन्च करते हैं पर पोर्टल पर ये कहते हैं कि जितनी भी आपकी कश्मीर में जब आप छोड़ के यहाँ पर आना पड़ा आपकी जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी पूरी डिटेल दी जाए, उसके बावजूद भी जब डिटेल से आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये ज़मीन हमारी है हमारी थी हमारी रहेगी, पर उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने ध्वंस जमा कर यानी अपना रसूख लड़ा कर कहीं ना कहीं जो कि प्रशासन को भी काम करने से रोक रहे हैं, यानी अभी भी एनक्रोचमेंट जारी है। बद्रीनाथ जी का ये कहना है कि डीसी जो की है उनसे वहाँ से बड़ी उम्मीदें हैं, कहीं ना कहीं हेड होते हैं उस एरिया के, उन पर उम्मीद है कि आखिर जो इनका हक है इनको अधिकार मिले और जिस तरह से वो इंक्रोचमेंट की जाए फिलहाल उसको रोका जाए, क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन भी दायर की। आप देखना ये है कि क्या डीसी कोई संज्ञान लेते हैं बद्रीनाथ जी को, अगर आपने पोर्टल खोले हैं तो पोर्टल पर जो काम है जो आम जनता जो इस समय कश्मीरी माइग्रेंट्स की परेशानी, या तो आप पोर्टल खोलिए नहीं, अगर खोलिए पे जिसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका अधिकार उसको मिलना चाहिए, ये बड़ा सवाल। अब देखना ये है कि डीसी साहब क्या संज्ञान लेते हैं कि अब इनको इनका जो अधिकार मिलता है या जो एनक्रोचर है उन्हीं को उन्हीं के कहीं ना कहीं दबाव के आकर वो काम वहीं का वहीं रहता है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जुड़े ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।